Hey guys, welcome back. This is your boy Aman. So guys, आज का vlog ना बहुत ही special होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गरबा करने के लिए। नवरात्रि के चार दिन जो है वो बीत चुके हैं और चारों दिन हमने ना गरबा नहीं किया है। पायल खुशबू, तुमने किया है क्या? अरे हमने ना थोड़ा बहुत किया हुआ है, जैसे सोसाइटी में जाके वैसे। अच्छा, मीन्स इन्होंने सोसाइटी में तो किया है लेकिन मैंने बिल्कुल भी है ना गरबा नहीं किया है। अंदर से एकदम वो इच्छा हो रही है कि मैं भी गरबा करूँ बहुत लोगों के साथ। सो फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं गरबा करने के लिए। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थे मेरी दोनों बहनें, लेकिन मेरी दोनों बहनें देखो इतना एक्साइटेड हो गई है कि ये देखो क्या कर रही हैं ये दोनों। देखो, एक यहाँ पे सो रही है और दूसरी यहाँ पे सो रही है। अब बताओ, इनको तैयारियां करनी थी कि वो शाम को क्या पहनने वाले हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, आराम से सो रहे हैं। फिर जब टाइम हो जाएगा फिर पापा मम्मी से बोलेंगे, पापा मम्मी 15 मिनट और 15 मिनट और 15 मिनट। गाइस, फाइनली पायल जो है वो उठ गई है। चल चल चल, उठ उठ उठ, सोते सोते वीडियो नहीं बनाने का। सो क्या पहनने वाली है पायल आज तू? मैं पहले देखूंगी कि खुशबू क्या पहन रही है। कब सुधरोगे तुम लोग, कब सुधरोगे? वो ना एकदम मतलब गुजराती घाघरा होता है ना वैसा पहनना, कभी तो पहन। ठीक है, अगर मेरे पास होगा मैं ढूंढूंगी, मिल जाएगा तो मैं पहन लूंगी। ठीक है खुशबू, उठ जा, तू 2 घंटे से सो रही है, इतना नहीं सोते। और ऊपर से इसका तो आज स्कूल में हाफ डे था, फिर भी आज इतना सो रही है। वही तो, रेगुलर स्कूल होता है तब तो हम समझते हैं, चलो बच्चा थक जाता है। तो मम्मी फटाफट से ऊपर चलो और नवरात्रि के कपड़े जो बेड के अंदर आपने रखे है ना अच्छे से पोटला में बांध कर वो है ना निकाल के दो, हमको नहीं मिलेगा वो बेड के अंदर का सामान। इस बार तो आप ही को निकालना पड़ेगा। कैसे हम निकालेंगे, आपने रखा है, आपको पता है ना? नहीं, आप ही निकालोगे। नहीं 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 मम्मी, चलो हम निकालेंगे ना तो शाम हो जाएगी फिर भी हमें नहीं मिलेगा, और आपको ना एक नजर में आपको सामान मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा, मैं बताती हूँ। देखो पोटला इतना बड़ा है, ऐसे बांध कर रखे हैं ब्लू वाले दुपट्टे में। नहीं सुनना हमें, चलो आप हमारे साथ। ठीक है चलो, है ना पायल? चल चलो, सामान निकल जाएगा ना उसके बाद रखना बैठे बैठे। फिर गरबा खेलने से ज्यादा मम्मी को है ना सामान को है ना अच्छे से रखने में इंटरेस्ट रहेगा। हाँ। खुशबू, हाँ? तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। इतना नींद लाते कहाँ से हो? मुझको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। सो गाइस, इतनी सारी चनिया चोली है हमारे घर में, ऐसा लग रहा है कि चनिया चोली की दुकान ही खोल दी है। पायल खुशबू, मिला तुम लोग को चनिया चोली? तो यही चनिया चोली पहनने वाली हूँ। मजाक मत कर, ये गाइस है ना पायल की फर्स्ट चनिया चोली है ना, मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। और ये खुशबू की फर्स्ट चनिया चोली है। हाँ, गाइस मुझे इसकी ब्लाउज आपको दिखानी है। सो गाइस, आपको पता है मैं अभी इतनी फैशनेबल क्यों? क्योंकि है ना मेरी मम्मी ने बचपन से ही है ना मुझे फैशन करना सिखाया है। आप देख सकते हो मम्मी ने कितना फैशनेबल ब्लाउज सिलवाया है। वो तेरे में आएगा पायल, क्या हरकत कर रही है तू? इसको देखो, इसको देख देख के ये भी पहन रही है। मेरे पास तो 4 केड़ियों है लेकिन उसमें से भी ये वाला जो है ना वो छोटा हो चुका है, तो ये तो मैं नहीं पहन सकता हूँ। सो ये 3 ट्राई कर करके देखता हूँ कि इनमें से मैं कौन सा पहनूंगा। सबसे पहले मैं पहनता हूँ ये ऑरेंज वाला। सो पायल खुशबू बताना हो सही दिख रहा है कि नहीं? अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। हाँ, इसे बाजू पर से बहुत बड़ा लग रहा है। सो गाइस, ये ड्रेस ने मुझे 4 साल है ना बेस्ट कॉस्ट्यूम का मतलब प्राइस दिलवाया है। ये मेरा फेवरेट गरबा का है ना कॉस्ट्यूम है। ये वाला अच्छा दिख रहा है? ये वाला अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये ना बहुत ही ज्यादा ऐसे बॉडी फिट लग रहा है, तो वैसा ही तो चाहिए। अब एक लास्ट वाला है वो भी पहन के देख लेता हूँ। हाँ, वो व्हाइट वाला ट्राई करो। ये वाला, ये वाला बहुत ही परफेक्ट है, यही पहन के जाना है। फाइनली डिसाइड हो चुका है, अब मैं यही व्हाइट वाला ही पहनने वाला हूँ। अब पायल खुशबू तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग क्या पहनने वाले हो। पायल तू क्या पहनने वाली है? मैं ना ये वाली चनिया चोली पहनने वाली हूँ। गरबा खेलने के समय ना ऐसे हैवी चनिया चोली अच्छी लगती है, इसीलिए मजा आता है पहनने में। खुशबू तू कौन सा पहनने वाली है चनिया चोली? देखो भैया, मेरे पास ना 2 ऑप्शन है फिलहाल, एक ये येलो वाला, ओके, और एक ये ऑरेंज वाला। मैं बताऊँ कौन सा पहन? ये ऑरेंज वाला, क्योंकि है ना पायल इतना हैवी पहन रही है तो तू भी पहन ले, बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हैवी चनिया चोली। हाँ, तुझे तो घाघरे बहुत पसंद है ना? हाँ। सो ये मेरे में
बहुत ही अच्छा भी लगेगा। गाइस 6:45 जो है वो हो चुकी है शाम का। सो गाइस हमें ना 7 बजे ना जहाँ पे ग्राउंड में हम लोग गरबा खेलने जाने वाले हैं ना वहाँ पे पहुँचना था। मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग ना 7 बजे पहुँचेंगे क्योंकि पापा को आने में घर पे ना बहुत ही लेट होने वाला है। सो आई थिंक हम 8:30 बजे ना वहाँ पे जाने वाले हैं और खुशबू जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने तो आज सोच ही लिया था कि मैं आज सबसे पहले मेकअप करूंगी क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते हो कि मैं बहुत ही लेट मेकअप करती हूँ, 1/2 घंटा लगाती हूँ, 1 घंटा लगाती हूँ, पर नहीं मैं सिर्फ 15 मिनट लगाती हूँ। ओके पायल जो है वो हमसे ना बहुत ही गुस्सा हो चुकी है क्योंकि पायल और मेरी जो है थोड़ा सा है ना हमारा ना गुस्से वाली बात जो है वो हो चुकी थी दोपहर को, लेकिन उसका गुस्सा ना अभी तक पायल के है ना चेहरे पे दिख रहा है, आप देख लो। और वो है ना हमसे बात करना नहीं चाह रही है, लेकिन फटाफट से लिपस्टिक वो सब लगा के ना रेडी हो रही है क्योंकि उसको गरबा खेलने जाना है। पायल ऐसे इग्नोर नहीं करते, ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और खुशबू भी रेडी हो चुकी है और कितनी प्रीटी लग रही है, वाओ, किसी की नजर ना लगे। मैं प्रीटी हूँ, इसमें लगने की क्या बात है। और गाइस पायल एज यूजुअल इसका सब कुछ है ना खोया हुआ है, कुछ इसको मिल ही नहीं रहा है। और आज तो है ना सबसे लेट है ना मम्मी कर रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसमें क्या शर्म आ रही है, कितनी सुंदर तो आप लग रही हो, पहली बार चनिया चोली पहनी हो नवरात्रि वाला इसलिए आज लेट कर रही हो, है ना। हाँ। पायल इधर तो देख ना रेडी हो रही है ना। हाँ। एंजॉय करना है आज। हाँ, हाँ। गुस्सा को कर दो बाय बाय, अमन भैया को बोलो हाय हाय, बोल हाय। बहुत जोर से बोल दिया खुशबू ने। पायल जल्दी जल्दी तैयार हो ना, कितना टाइम लगेगा। वो है ना अपना हर सामान खोती रहती है, बोलती है कि तुमने ही मेरा सामान खोया है। बोल ना कितना टाइम लगेगा पायल। मिल जाएगा तो चली जाऊंगी। ओके ये इतना धीरे बोलती है ना, इतना धीरे बोलती है कि आपको सुनाई भी नहीं देगा। सो गाइस मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, वहाँ पे पापा जो है वो बोल रहे हैं कि जल्दी करो और यहाँ पे पायल जो है वो बोल रही है पापा 5 मिनट बस। सो गाइस खुशबू है ना ऐसे स्कूल में ना उसके तैयार होकर गई थी, है ना। नहीं भैया मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है इसमें। क्या किया है। मैंने ना अपना घाघरा चेंज किया है। ओके। और अपने नेकलेस चेंज किया है। ठीक है पायल कितना टाइम लगेगा। हो गया रेडी। हाँ। और बाल पे तो कुछ रख दुपट्टा वो सब नहीं। रख ले अच्छा लगेगा। नहीं रख ना। नहीं देख कितना अच्छा लग रहा है, इधर देख ऐसे अच्छी लग रही है ना। हाँ।
वहाँ से है ना हमें जल्दी आना पड़ा क्योंकि है ना वहाँ पे इतनी इतनी ज्यादा भीड़ थी ना। बट जितना भी गरबा किया ना दीदी उतने में हम बहुत ही थक गए। जैसा पायल ने बोला ना वो बात सही है, वहाँ पे ना बिल्कुल भी है ना गरबा खेलने की ना जगह नहीं रही थी। अभी खुशबू का ना बहुत जोर से ना पेट दर्द ना करना स्टार्ट कर दिया है फिर से। इसका पता नहीं क्या होता है, रह रहे कि इसका पेट दर्द होना ना स्टार्ट हो जाता है। अरे छोड़ो ना वो सब बात, आपको एक बात बतानी है मुझे। हाँ बोल। हम जहाँ गए थे ना गाइस वहाँ है ना खाने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, सो हमने तो वहाँ कुछ खाया नहीं, बस 20 वाली हम आइसक्रीम एक एक खा के फिर घर पे आ गए। अभी है ना गाइस हम लोग पाव भाजी लेकर आए हैं, सो वही हम खाएंगे और पेट को भरेंगे।